Greeting students and welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Now, children, what were we doing? We were doing the chapter Rangas Marriage. Okay, children, and we had studied. Okay, we had I had explained to you, okay, uh, some uh, uh, parts of the chapter. Okay, so one revise kar ठीक है हमने कहाँ से स्टार्ट किया था हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जहाँ पर आ, हमने आ, मस्ती वेंकटेशा अयंगार के बारे में पढ़ा था उसके बाद ही एक्सप्लेन द थिंग्स अबाउट हिज मैरिज सॉरी ही एक्सप्लेन थिंग्स अबाउट हिज़ विलेज कि क्या होना चाहिए उसके विलेज क्यों इतना फेमस है ठीक है क्योंकि मैंगोज़ ही गेट मैंगोज़ राइट और फिर वो किससे कंपेयर कर वो बताता है कि हम क्या उनका विलेज जो है वो कहाँ uh, मिलेगा एक मैप uh, पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज़ नॉट नीदर इट इज़ मैंशन बाय अ जोग्राफ़र नॉर अ कार्टोग्राफ़र ठीक है कार्टोग्राफर कौन होते हैं जो कि चिल्ड्रेन uh, uh, जो कि क्या होता है जो कि मैप डिज़ाइन करते हैं राइट देन ही कम्पेयर इज विलेज टू कैरी गबाडू गॉरी कैरी गाबू ठीक है इट इज़ अ गुजिया होती हैं जो बाहर से सॉलिड होती है अंदर से मीठा होता है तो सिमिलरली हीज़ एक्चुअली टोल्ड ही हैज़ एक्चुअली कंपेयर दीज थिंग्स टू Uh, what do you call it um uh to this um to this festival meal and he has um, talked about his village husahali right now after that chil uh, children uh, he talked about mango okay and how um how these mangoes actually how a um, uh, chutney was made out of these mango and he got a cough due to uh so he had to go to a um what he had to go to the um what do you call it doctor to see and to um you know uh, um, talk about what he had eaten right now where were we let me just show you we were somewhere here it says just as the mango is special so is everything else around our village तो वो अभी भी अपने विलेज की तारीफ कर रहा है क्या बोल रहा है कि जैसे एक मैंगो बहुत स्पेशल है ठीक है वैसे ही हमारी विलेज में भी बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। वी हैव अ क्रीपर अब क्रीपर क्या होता है क्लाइंबर्स होते हैं ठीक है क्रीपर क्या होते हैं क्लाइम्बर्स तो ही सेइंग दैट वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग ओके वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन दी Ever so fine water of the village pond pond, its flowers are as feast to behold. इसका मतलब क्या बोल रहा है कि क्या है मैंगो इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ अ विलेज पहले वो मैंगो को बताता है कि मैंगो मैंगो क्या है एक हमारी स्पेशलिटी है कहाँ की है विलेज की ठीक है अभी हम कहाँ से कहाँ तक एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ से um, और बिहोल्ड तक एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है देन ही सेज दैट मैनी अदर थिंग्स आर स्पेशल इन आ विलेज और बहुत अलग और भी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं कहाँ हमारे विलेज में देन ही सेज वी हैव अ क्लाइंबर वी हैव अ क्लाइंबर और क्रीपर दैट ग्रोज इन दी पॉन्ड ऑफ अ विलेज ठीक है वो बोलता है कि एक क्लाइंबर है एक क्रीपर है जो कि कहाँ ग्रो करता है हमारे विलेज के पॉन्ड में वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज़ वेरी क्लियर एंड फ्री ऑफ पल्यूशन और वो बोल रहा हैं कि एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड की जो ये पानी है पॉन्ड का वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है देर इज नो पल्यूशन ओके एंड द क्रीपर ये जो क्रीपर है इट हैज़ फीस्ट टू बी होल्ड वेरी गुड थिंग्स टू अब्जर्व दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल so is feast to behold means very good things to observe Yeah, beautiful right to it the creeper is very beautiful right okay children now let us go to uh, get two leaves from the creeper when you go to the pond for your bath and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal Ab wo kya bol um, When when वन गोज़ फॉर बेथिंग इन दी पौंड वन कैन गेट टू लीव्स फ्रॉम द की क्रीपर बोत अगर तुम वहाँ पर नहाने जाओगे पाउ पौंड में नहाने जाओगे यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स सॉरी यू विल गो टू दौंड फॉर योर बात यू यू विल गेट लीव्स ठीक है तो लीव्स आर सो बिग दैट दीज वुड बी साफ़िशेंट टू सर्व लंच फॉर दी होल फैमिली और वो बोल रहा है कि ये जो लीव्स हैं वो इतने बड़े होते हैं इतने बिग होते हैं कि जो फैमिली होती है उसमें मील खा सकती है राइट right? क्योंकि हमने देखा है कि साउथ में क्या होता है दे ईट फूड इन द लीव्स राइट यू विल से आई एम रैम्बलिंग रैम्बलिंग विद टॉकिंग इज दर्ड सॉरी यर रैम्बलिंग विथ्स टॉकिंग दैट मीन्स टॉकिंग विद विद एनी एम ठीक है तो वो बोल रहा है दैट यू कैन से दाइम टॉकिंग मेनी थिंग्स अबाउट माई विलेज विदाउट एनी एम बोल रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें अपने विलेज के बारे में बात कर रहा हूं बट विदाउट एनी एम कोई एम नहीं है बट आई एम ऑलवेज लाइक दैट वाई टॉकिंग अबाउट माई विलेज बट वो फिर बोलता है मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ जब मैं अपने विलेज के बारे में बात करता हूँ ठीक है वो बोल रहा है ना इट ऑलवेज़ लाइक दैट वैन आई वेन द सब्जेक्ट ऑफ आर विलेज कम्स अप और वो बोलते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ जब ये सब्जेक्ट आता है जब विलेज का सब्जेक्ट आता है राइट नेक्स्ट बट इनफ इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन ठीक है तो वो बोलता है ड्रॉप मी अ लाइन मीन्स राइट अ शॉर्ट लेटर टू मी यर ठीक है इट मीन्स येयर ड्रॉप मी अ लाइन मीन्स राइट अ शॉर्ट लेटर टू मी राइट अ शॉर्ट लेटर टू मी समझ में आ गया टू मी तो बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे विलेज के बारे में या मेरे विलेज के बारे में और जानना हो या विजिट करना हो तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी जस्ट ड्रॉ राइट अ मैसेज टू मी या जस्ट राइट अ वट डू यू कॉल इट लेटर टू मी आई विल लेट यू नो वेर होसाहली इज़ अब वो बोल रहा है कि मैं, मैं बता दूंगा कि कहाँ होसाहली कहाँ पर है एंड वट थिंग्स आर लाइक हेयर और चीज़ें यहाँ पर कैसी हैं ठीक है एंड द थिंग्स यू मे लाइक टू सी ठीक है चीज़ें क्या हैं और कैसे कैसे क्या क्या, क्या तुम देख सकते हो द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट डोंट यू अग्री तो फिर वो पूछ रहा है कि द बेस्ट वे हम जो बेस्ट वे क्या है एक प्लेस को जानने का बेस्ट वे ये है कि तुम उसको विजिट करो ओके okay? और फिर वो पूछता है क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू अग्री डोंट यू अग्री वो पूछ रहा है कि डू यू अग्री विद दिस

ठीक है वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश वो बोलते हैं उस समय दस साल पहले एट दैट टाइम मैनी पीपल इन आर विलेज डिड नॉट नो इंग्लिश बहुत से ऐसे लोग थे चिल्ड्रन जो कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी उनके गाँव में देन अ विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड इज सन टू बैंगलोर टू स्टडी अब वो बोलता है कि जो हमारा जो विलेज अकाउंटेंट था वो सबसे पहला ऐसा पर्सन था हु हैड इनफ करेज जिस जिसमें करेज था कि वो अपना बच्चा कहाँ भेजे बैंगलोर भेजे क्या करने के लिए पढ़ने के लिए ठीक है ओके सो वे विल ही ही डिड ही सेंड हिज सन टू बैंगलोर ठीक है ना इट इज़ डिफरेंट नाउ अब बोलते हैं इट इज़ डिफरेंट नाउ नाउ सिचुएशन इज़ डिफरेंट ठीक है पहले भेजना बहुत मुश्किल होता था बट अब इट इज़ मच मोर इजी द द सिटेशन हैव चेंज ठीक है नाउ देर आर मैनी हु नो हू नाओ नो इंग्लिश अब बोल रहे कि अब मैनी पीपल इन आर विलेज नो इंग्लिश पहले तो बहुत कम लोगों को पता था बट अब uh, बहुत लोगों को uh, पता चल रहा है जॉरिंग द हॉलीडेज हु केम अक्रॉस दैम on every street talking in English. अब क्या बोलते हैं During holidays you can meet such people on every street. ठीक है They would be talking in English. कि तुम हर छुट्टी के वाले दिन अगर तुम street में निकलो तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या किस भाषा में बात कर रहे हैं English में ठीक है Next those days we did not speak in English. अब वो बोलते हैं दे वुड बी ड्यूरिंग दोज डेज पुराने जमाने दस साल पहले की बात कर रहे वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश हमने कोई इंग्लिश में बात नहीं करी थी वी डिड नॉट इंक्लूड इंग्लिश वर्ड्स लाइक वाइल टॉकिंग इन कल्नड़ सो so, बोलते हैं दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ ठीक है तो वो बोलता है कि जब हम कन्नड़ भाषा बोलते थे उसके अंदर भी कोई वर्ड्स क्या है हम इंग्लिश के नहीं यूज़ करते जैसे हम आजकल करते हैं ना वाइल टॉकिंग इन हिंदी ऑल्सो वी यूज मैनी वर्ड्स विच आर इंग्लिश बट वो कन्नड़ में निकलते वट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल बिलीव मी उसने बोला वट हेज़ हैपन द अदर डे इज़ क्वाइट शेम फुल ठीक है डिजग्रेसफुलर इज डिग्रेसफुल इज शेम फुल ठीक है और वो बोलते हैं बिलीव मी दी अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस वेन दे ब्रॉट बैंडल ऑफ फायरवुड और फिर नरेटा बोल नरेटर बोल रहा है कि uh, कुछ दिन पहले ठीक है आई वज इन दाउज ऑफ रामा राओ ठीक है हाउस वेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड तो उन्होंने क्या लिया दे परचेज बंडल ऑफ फायरवुड फ्रॉम अ वुमेन ठीक है तो उन्होंने क्या uh, चिल्ड्रेन उन्होंने क्या लिया एक फायरवुड लिया ठीक है रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट अब रामा राव जो जो उनका बेटा था वो कहाँ बाहर आया और उसने क्या करा उसने uh, पैसे निकाले ताकि वो वुड के लिए पे कर सकते ही आज द वेमेन हाउ मच शुड आई गिव फिर वो वेमेन को पूछता है हाउ मच शुड आई गिव कितना दू में ठीक है तो आ, 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 फोर पाइस शी सेट तो शी सेट फोर पाइस तो बोलती कि तुम तो मुझे फोर पाइस दो ठीक है अब क्या होता है द बॉय टोल्ड हर ही डिड नाट हैनी चेंज तो बॉय बोलता है कि मेरे पास क्या है चेंज नहीं है क्या नहीं है? राइट right? तो बॉय बोलता है आई डू नॉट हैव एनी चेंज देखो कहाँ पर ये रहा तो क्या बोलता है कि मेरे पास चेंज नहीं है एंड आस्ट टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग तो बोलता है कि कल कल आना और मुझसे जितने बाकी पैस, पैसे हो लेकर जाना है. तो पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड चेंज अब जो वो ए, लेडी थी ठीक है वो क्या समझ नहीं पाई किस चीज़ को कि, ए, कि चेंज का मतलब क्या है and asked uh, sorry the poor woman did not understand the English word change and went went away muttering to herself the muttering means whispering here is the word muttering means whispering ठीक है तो वो lady क्या करती है and went away उसको समझ तो आता नहीं तो कुछ, कुछ 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 बोलकर चली जाती है I too वो बोलता है I too did not know लेटर वन आई आर वेंट टू रंगजर्ज़ हाउस एंड आस्ट हिम आई अंडरस्टूड वट इट मेंट तो बोलते हैं कि आई टू डिड नॉट नो मीनिंग ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड बोले मुझे भी नहीं पता चल था कि चेंज का मतलब क्या है आफ्टर सम टाइम थोड़े टाइम बाद आई वेंट टू हूज हाउस रंगजाज़ हाउस और मैंने वहाँ पर पूछा ठीक है कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड तो रंगा हैड एक्सप्लेन इट टू मी देन आई अंडरस्टूड इट्स मीनिंग ठीक है तब मैं उसकी मीनिंग को तब मुझे पता चला कि मीनिंग क्या है ठीक है दिस प्राइसलेस कमोडिटी दिस प्राइसलेस कमोडिटी प्राइसलेस मतलब जिसका कोई प्राइस uh, ना हो ठीक है द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आ विज अ टेकेट गो वो बोलते अबाउट टेन ईयर्स अगोर जो ये नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट कॉमन ठीक है वो बहुत प्राइसलेस था ठीक है कमोडिटी थी प्राइस कमोडिटी मतलब चीजें ठीक है तो जो ये इंग्लिश लैंग्वेज था वो प्राइसलेस था दैट वॉज वाई रंगज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट और वो बोलता है इसीलिए जब रंगा घर आया तो एक ऐसा लगा बहुत बड़ा इवेंट होगा ठीक है पीपल रश टू हिस्स स्टेप अनाउंसिंग और लोग ना भागे 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 कहाँ गए अकाउंट वहाँ पर अकाउंटेंट के घर के वहाँ गए घर पे गए ठीक है डो स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम और क्या बोला कि जो अकाउंटेंट का बेटा है वो आ चुका है ही हैज़ कम The boy who had gone Bangalore for his study is here. It seems. और वो बोलता है कि जो लड़का Bangalore गया था अपनी पढ़ाई के लिए वो क्या है वापस आ चुका है. It seems. And come Ranga is here. And come Ranga is here. Let's go and have a look. So, the boy who had gone to Bangalore for higher study has come back to the village. So, let us go and meet him. So, Now, we have to go Right? Attracted by the crowd. Attracted by the crowd. I was so attracted by the crowd. The bol Writer bol I too went and stood in the courtyard and asked, Why have all these people come? There's no. परफॉर्मिंग मंकी यार तो जो रंगा है वो बोलता है कि आई वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई द क्राउड की यार इतना बड़ा क्राउड है तो क्या कहाँ गया वो ही वेंट टू दी वेंट ही टू वेंट एंड स्टूडेंट द कोट यार्ड ठीक है कोर्टयार्ड मीन्स ओपन स्पेस इन दी हाउस तो वहाँ पर खड़े होके वो देखने लगा वाई हैव ऑल दीज पीपल कम अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर uh, कोई बंदर कोई बंदर का नाच हो रहा है क्या ठीक है ओके अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स ठीक है अ बॉय एक बच्चा जिसके पास कोई ब्रेन्स नहीं इज़ अ ब्रेनलेस नॉट इंटेलिजेंट बोलेंगे ठीक है वट डज़ एनी ब्रेन्स मीन्स हु इज़ नॉट इंटेलिजेंट ठीक है हु इज़ नॉट इंटेलिजेंट ठीक है हु इज़ नॉट इंटेलिजेंट सेड लाउड इनअ फॉर एवरी वन टू हेयर और वो बहुत जोर से बोलता है तो अटैंडिंग नॉट इंटेलिजेंट ही लाउडली आस्ट वाई नरेटर है तो इनफ फॉर एवरी वन टू हेयर वट आर यू डूइंगयर देन बोरा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर ठीक है अ यंगस्टर इमेच्योर इमर मीन्स नॉट मेच्योर्ड ठीक है ही वॉज यंग नॉट मेच्योर एंड डिन नॉट हैव एनी मैनर्स ठीक है एंड विदाउट एनी मैनर्स बदतमीज़ बोलते हैं ना जिससे वो वो बच्चा था थिंकिंग ऑल दीज थिंगस वर नाव ऑफ द पास्ट आई कीप क्वाइट तो न, 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 वो बोलता है कि अंगस्टर इमिच्योर विदाउट एनी मैनर्स थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स व नाव ऑफ द पास्ट आई केप क्वाइट तो नरेटर बोलता है नरेटर फेल इन

Uh, monkey, right? <sighs> okay. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Wahan par dekha, so Ranga came out. So he was smiling. Thaikhe, wo khush tha. Had um, he came out with a smiling. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. थैंक गॉड इट डिड नाट तो वो बोलता है सो रंगा केम आउट ही वाइलिंग नन ऑफ अस वेंट इनसाइड दी हाउस तो कोई नहीं कोई उनके घर नहीं गए अदरवाइज इट वुड हैव कॉज सफोकेशन टू ऑल ऑफ अस ठीक है और उसको क्या बोलते अगर वो सबके सब इतने लोग थे अगर उसके घर जाते तो उसको सफोकेशन होती ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती तो वॉट डू दे कॉल ब्लैक होल ऑफ कैलकटा क्या बोलते हैं ब्लैक होल ऑफ कैलकटा कैलकाउ सी चिल्ड्रन व्हाई डू दे कॉल दिस अ ब्लैक होल ऑफ कैलकटा इसकी एक हिस्ट्री है द ब्लैक होफ होल ऑफ कैलकटा रेफर्स टू प्रिज़न सेल विच वॉज यूज टू होल्ड वन मोस्टली ब्रिटिश प्रिज़नर्स कैप्चर्ड आफ्टर द नवाब ऑफ बेंगॉल है टेकन ओवर द सिटी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है सो इंटर्ड ऑन ट्वेंटी जून सेवनटीन फिफ्टी सिक्स इन अ टाइनी सेल इन फॉट विलिन वन ट्वेंटी थ्री ऑफ द बिजनेस डाइड ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ सफोकेशन तो एक छोटी सी क्या थी वहाँ पर खिड़की थी प्रिजन था जहाँ पर वन फोर्टी सिक्स मोस्टली ब्रिटिशर्स को रखा गया था ठीक है तो उसको क्या बोलते ब्लैक होल बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर हम सारे लोग यहाँ पर चल जाते Uh, रंगा के घर चले जाते तो वो कैसे दिखता एक ब्लैक होल की तरह दिखता राइट कैसे दिखता वो एक ब्लैक होल की तरह दिखता और हम सब सफोकेशन से परेशान हो जाते राइट थैंक गॉड इट डिड इट डिड नॉट वो बोलते है, फिर वो वो बोलता है कि भगवान की दया से क्या हुआ ये लोग वहाँ पर गए नहीं अंदर नहीं गए

ही इज़ दी सेम एज़ दो छ महीने पहले था ठीक है देन वेन ही है फर्स्ट लेफ्ट आर विलेज जब वो पहली बार हमारा विलेज uh, को छोड़ दिया छोड़ा था ठीक है एंड एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम और अब जो एक ओल्ड um, लेडी एक थी uh, वो किसके उनके पास थी ठीक है उसके पास खड़ी भी रही होगी या उसके आसपास खड़ी भी रही होगी रैन हर हैंड ओवर इज चेस्ट लिड इन टू आइज एंड सी द जने वारा स्टिल देर तो एक ओल्ड लेडी थी उन्होंने उसके चेस्ट पे हाथ रखा ओवर हर चेस्ट लुकड इन टू हिज आइज एंड सेड और उसकी आंखों की तरफ देखता है और बोलती है जनेवारा स्टिल देर अब जनेवारा क्या होता है हिंदू रिलीजन्स में हमें जनेऊ पहनना पड़ता है राइट वी हैव टू वेयर समथिंग दैट इज वेरी रिचुअल तो बोलती कि वो जनेवारा इट इज इन अक्रॉस फ्रॉम द शोल्डर अक्रॉस टू द चेस्ट, ठीक है तो बोलती हरे, अरे इसने तो जनेवारा अभी भी पहना हुआ है ही हैज लॉस्ट हिज कास्ट वो बोलती वो गया तो है बट ही हैज लॉस्ट हिज कास्ट शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगा लाफ्ट So when she said that Ranga was still wearing the sacred thread, that is Janewara. so he was he has maintained tradition of the caste. After say, saying this, she went away. So Ranga laughed upon listening this. So Ranga hasn't. Kya, kya okay. Once they realized that Rangas still had the same hands, legs, eyes, and nose, the crowd melted away. Melted away means. पीपल वेंट अवे ठीक है कहाँ पर है ये मेल्टेड अवे मीन्स वेंट अवे सो पीपल वेंट अवे ठीक है लाइक अ लंप ऑफ शुगर ठीक है सो दे ऑल डिसअपेयरड फ्रॉम द प्लेस लाइक द शुगर वुड डिसअपेयर शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ जैसे हम किसी बच्चे को मीठा कुछ खाने के लिए देते हैं तो वो क्या है मिक्स uh, हो जाता है घुल जाता है वैसे ही लोग क्या हो गए जल्दी जल्दी वहाँ से चले गए आई continued टू स्टैंड there तो मैंने क्या वो बोल रहा है कि राइटर बोल रहा है आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देर सो आई कंटिन्यू टू स्टैंड देर इन दी हाउस आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्ट हाउ आर यू रंगा रंगाप्पा तो फिर वो पूछते हैं वो पूछता है तुम कैसे हो आफ्टर जब सब के सब चले गए ना तो फिर राइटर ने पूछा कि आप कैसे हो रंगापा इज एवरीथिंग वेल विद यू बोल सब कुछ ठीक है इज़ एवरीथिंग वेल विद यू ठीक है फिर इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस मी और ये पहली बार था जब रंगा ने नोटिस किया किसे मुझे

आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दी एस्पेक्ट ऑफ रंगजाज कैरेक्टर अब वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या करना है ड्रॉ योर अटेंशन इन्फॉर्म यू रिक्वेस्ट यू टू नोटिस ठीक है किसके रंगा के कैरेक्टर के बारे में ही न्यू वैन इट वुड बी टू हिज एडवाटेज टू टॉक टू समन एंड राइटली एस एस पीपल्स वर्थ तो वो बोल रहा है कि आई कुड रेकग्नाइज वेन इट वुड बेनिफिट हिम टू टॉक टू समन ही कुड करेक्टली जज इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सन ठीक है क्योंकि वो बता रहा है कि वो कितने अच्छे से कर रहा था एंड फॉर इज नमस्कार टमी ही डिड नाट सॉरी एज एज फॉर इज नमस्कार टुमी ही डिड नाट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय

ठीक है स्टैंडिंग स्टिफ मीन्स रिजिट लाइक अ पोल विद जॉइंट्स जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज ईदर अ वड और वॉकिंग स्टिक ठीक है जर्किंग गिविंग जॉल्ट या ट्विचिंग ठीक है ओके वॉन्ड मीन्स नॉट इट मेरली फोल्ड हिज हैंड्स ही बेंड लो टू टच माई फीट तो वो बोल रहे ही डिड नॉट डू नमस्कार लाइक अ मॉडर्न डे बॉयज डू ठीक है अ मॉडर्न बॉय वुड लुक टुवर्ड्स दिस सेंट स्टैंड स्टिफ लाइक अ पोल जर्क हिज बॉडी लाइक अ वॉकिंग स्टिक एंड से नमस्कार रंगा डिड नॉट फोल्ड हिज हैंड तो रंगा ने वैसे नहीं किया सो वट डिड ही डू नॉट डिड ही मर्ली फोल्ड हिज हैंड्स ही बेंट लो टू टच माई फीट और वो क्या करा उसको उसके पैरों पर टच करने करे दैट इज़ इन हिंदुइज़्म मे यू गेट मैरिड सोन आई सेट ब्लैसिंग हिम उसने राइटर ने क्या बोला कि मे यू गेट मैरिड सोन आफ्टर एक्सचेंजिंग अ प्लेजेंटरी आई लेफ्ट प्लेजेंटरी मीन्स पोलाइट जनरल डिस्कशन ठीक है और वहाँ से क्या होता है जो राइटर हैं निकल जाते हैं ओके प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दी वीडियो थैंक यू चिल्ड्रेन थैंक यू वेरी मच